गिरफ्तार करने किन को आए थे सर? हाँ? गिरफ्तार करने किन को आए थे? इसके पति को। अच्छा, पति को। हाँ। कितने बजे आए थे आप? 4 बजे के लगभग। 4 बजे के। अच्छा, घर में महिलाएं भी होती है तो क्या आपके साथ लेडीज कांस्टेबल थी? हाँ? लेडीज कांस्टेबल थी? ना, तो किन्हीं के, सुनिए सर, किन्हीं के घर में अगर आप घुसेंगे। हाँ बोलिए। जिस समय इसके घर पर 4 बार 5 बार छापामारी हुई गई। ये बार बार भाग रहे। अच्छा, जो छोटा दरोगा, कौन से थाना के हैं वो? गुरुवत थाना के। गुरुवत थाना। हाँ। अच्छा। जो छोटा दरोगा हुए तो, और फिर वो क्या किया कि मतलब झोटा पकड़ के, बाल पकड़ के और बाहर तला घसीटते हुए लाया, तो मतलब निर्वस्त्र हो गई थी, साड़ी उड़ी सब खुल गया था। अच्छा। हाँ, और 50,000 रुपये का मतलब मांग करता है जबरदस्ती, बोलता है नहीं तो बर्बाद कर देंगे, ऐसे वैसे धमकी। आपके पास कोई सबूत है जिससे आप पैसे की मांग किए हैं? हाँ, ऑडियो है, ऑडियो है और वीडियो है जो मारपीट कर रहा था। हाँ, दोनों है मेरे। नमस्कार, मैं लवली सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24। अभी मौजूद हूँ मैं मगध मेडिकल गया में, और अभी यहाँ देख सकते हैं एक पीड़िता है जिनको पुलिस प्रशासन के द्वारा ही मारपीट किया गया है। ये कहना इन्हीं का है, इनके परिवार का है कि पुलिस प्रशासन आए और इनके साथ जो है मारपीट किए, बदसुलूकी किए, अन्य तरह की चीजें बता रहे हैं। क्या बात हुई थी, क्या प्रॉब्लम आया था? आया था, आगरा में चल गया सिविल ड्रेस में, सदर ड्रेस में। मतलब पुलिस प्रशासन सिविल ड्रेस में थे? चल गया मानीलाल मोहन जी आगरा में, मेरा पति के मारने लगा, हाथों ये थे घर में, मारने के छुड़ाने लगे से हमको मारने लगा। अच्छा। मारने लगा तो पूरा मौ घिसिया दिया, लौट से मारा, मौ घिसिया के दूरा पर निकाल दिया, निकाल के पार्टी के मारते मारते बैठा लिया गाड़ी। लेडीज पुलिस थी? नहीं थी, कोई नहीं, ना कोई नहीं थी, जेंट्स थी 4 को 5 को। वो सिविल ड्रेस में थे? हाँ, सादा ड्रेस में थे। क्यों आए थे आपके घर, कोई तो कारण होगा? पहले से गोतिया से लड़ाई था। हाँ, किनसे लड़ाई झगड़ा थी? गोतिया से आपसी मामला था। अच्छा, गोतिया। हाँ, हाँ, आया सिविल ड्रेस में, मारने लगा, दुए गो थे घर में, और मारने का था छुड़ाने लगे, जैसे हमको मारने लगा, सब झोटा वोटा नोच दिया और पटाख दिया। क्या बोल रहे? गंदी गंदी मतलब गालियाँ दिया। मनीलाल मांझी हुए जो ऐसा ही छोटा दरोगा हुए, शराब के नशे में थे। अच्छा, शराब के नशे में थे? शराब के नशे में थे, और मतलब मेरे मम्मी थी अकेले घर में, तो इनके साथ में गंदी गंदी गालियाँ दिए और बदसलूकी किए, गलत तरीके से टच किए, और जब पापा आए तो उन पे सब लटक गया, 4-5 लोग थे और उन लोग, और बहुत गंदी गंदी गालियाँ दिया। पापा को जब मारने लगे तो ये मम्मी मतलब बचाने के लिए गई, छुड़ाने के लिए, तो मम्मी को मारने लगा और इनको मतलब 4-5 रात पेट में मार दिया है। पेट में मारे? हाँ, वही पुलिस प्रशासन। हाँ, मनीलाल मांझी। अच्छा। जो छोटा दरोगा। कौन से थाना के हैं वो? गुरुवत थाना के। गुरुवत थाना। हाँ। अच्छा। जो छोटा दरोगा हुए तो, और फिर वो क्या किया कि मतलब झोटा पकड़ के, बाल पकड़ के और बाहर तला घसीटते हुए लाया, तो मतलब निर्वस्त्र हो गई थी, साड़ी उड़ी सब खुल गया था। हाँ, और 50,000 रुपये का मतलब मांग करता है जबरदस्ती, बोलता है नहीं तो बर्बाद कर देंगे, ऐसे वैसे धमकी। आपके पास कोई सबूत है जिससे आप पैसे की मांग किए हैं? हाँ, ऑडियो है और वीडियो है जो मारपीट कर रहा था। मांझी जो बता रहे हैं, जिनका नाम बता रहे हैं, जो उन्होंने इनको मारपीट किया, उनका नंबर है छोटे बाबू का? नंबर तो मेरे पास में अभी नहीं है, ऐसे पता करके हम देते हैं। नंबर दीजिएगा, मैं बात करती हूँ, देखती हूँ, अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो आखिर क्यों दे रहे हैं? एक पुलिस प्रशासन पे इस तरह का आरोप लगना मतलब कहीं से सही नहीं है, और अगर ये आरोप लगा रही हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बात होगी। मनीलाल मांझी। हेलो, हेलो। हाँ जी सर, आप मनीलाल मांझी जी बात कर रहे हैं? जी। सर, किस थाने में आप, आपकी पोस्टिंग है? थाने में से गुरुवत थाना में। अच्छा सर, आप पे एक आरोप लगा रही है एक महिला जो कि अभी हॉस्पिटल में मौजूद है, और उनके तरफ का आरोप है कि आपने उनके साथ मारपीट की है, इनके साथ गलत व्यवहार किया है।
गलत है, बेबुनियाद है, मारपीट की घटना नहीं हुई है। इसकी पति, इसका पति 307 रुपए मुदाले थे, हाँ। उसी को है ना हम लोग गिरफ्तार करने के लिए गए थे, उसका पति भी मिला। अच्छा, गिरफ्तार करने किनको आए थे सर? गिरफ्तार करने किनको आए थे? इसके पति को। अच्छा, पति को। हाँ। कितने बजे आए थे आप? चार बजे के। अच्छा, घर में महिलाएं भी होती है, तो क्या आपके साथ, आपके साथ लेडीज कांस्टेबल थी? लेडीज कांस्टेबल थी? तो किन्हीं के, सुनिए सर, किन्हीं के घर में अगर आप घुसेंगे। हाँ बोलिए। जिस समय इसके घर पर चार बार पांच बार छापा मारी गई, ये बार बार भाग रहे, इस वजह से हम लोग उसके घर पर गए। सर, आप पे इस तरह का आरोप लग रहा है, आप सही हैं या गलत हैं वो तो हमें नहीं पता, इसकी तो पुष्टि होगी तभी, लेकिन आप पे इस तरह का आरोप लग रहा है और आप किसी के घर में जा रहे हैं, तो लेडीज कांस्टेबल होनी चाहिए ना। लेडीज कांस्टेबल जब हमारा लेडीज का है ना। दिन हो या रात हो, अगर आप किसी के घर में जाते हैं तो लेडीज कांस्टेबल होनी चाहिए ना। हो सकता है उनकी पत्नी, बहन, हर तरह का लोग होता है घर में। अच्छा, इस तरह का आरोप क्यों लग रहा है सर आप पर? आपकी, सुनिए, आपकी एक रिकॉर्डिंग आई है जिसमें आपके द्वारा पैसे मांगने की बात चल रही है। रिकॉर्डिंग भी बेबुनियाद है, कुछ भी बोल सकते हैं। और मारपीट की भी, हाथ पकड़े हुए हैं, उसकी भी वीडियोज हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई बात फिर के ना, इस समय जिस समय घटना घटी थी तो उस समय है ना हमारे एसएचओ भी है, थाना प्रभारी भी है। ठीक है सर, इसकी जांच होनी चाहिए और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसकी जांच हो, इनमें जो भी गुनहगार होंगे फिर उनको बख्शी नहीं जाएगी। ठीक है सर, ठीक है सर। अपने सफाई में क्या बोल रहे हैं? कोई चालो नहीं की रहा घर में है, ठूकी या पति पत्नी थे दोनों, छोड़ने लगे से मारने लगा हमको। अच्छा। आंधी तो भी पाते पूरा कर दिया, पाते ने लगा और खिसिया दिया और मारने लगा। क्या बोल रहे हैं? गांव वाला सब बोल रहे हैं कि झोटा धर के घर में से निकाला, हम लोग सब देख रहे हैं। अब पापा के भी मारने लगा, एक छोटा भाई था इसको भी मारने लगा। मतलब जो है एक पुलिस प्रशासन के द्वारा गुंडागर्दी किया गया है, पूरा गुंडागर्दी हुआ। मम्मी के साथ झोटा धर के मारा सब सर। कहाँ कहाँ चोट है आपको? गर्दन में चोट है, सब चूड़ी फूट गया था, सब फूट गया, रोड पर सब घर में था, सब कोई नहीं थे, कोई एको नहीं थे, हम दुए को थे, अब घर में ठूक के घिसियाने लगा, मारने लगा। हाँ, पापा उनको भी मारा। आपके पिताजी अभी जेल में हैं? वहाँ अंदर में अभी ले गया है, मतलब तो 50,000 का डिमांड किए था, मतलब मनीला प्रूव नहीं हुआ है अभी। दोषी आखिर किस बात के लिए लड़ाई झगड़ा हुआ है? मतलब थोड़ा, मतलब आपसी गोतिया का लड़ाई था, ऐसा ही मतलब हो गया था। इसके बगले में वो कुछ पैसा वैसा दे के और मतलब यही दे दिया था, तो मतलब ये जो 4 बजे जो आए तो ये शराब के नशे में थे, मनीलाल मांझी। अच्छा, हाँ, और लेडीज कांस्टेबल भी नहीं थी इनके साथ में, और ये लोग 4-5 गो थे और आए, और मम्मी के, पहले मम्मी थी, पापा कहीं काम कर रहे थे बगल में पीछे में, तो मतलब मम्मी की थी, और इनको गंदी गंदी गालियां देने लगा पूरा, और आया तो इनको हाथ पकड़ लिया, गलत तरीके से मतलब टच किया, और जब पापा आए तो उनमें मारने के लिए भिड़ गए, इन लोग सब है 4-5 लोग थे ना, मारने के लिए भिड़ गए, तो मम्मी फिर छुड़ाने गई, तो मम्मी को मतलब 4-5 लत पेट में मार दिया है इन लोग, और झोटा धर के घर सीटते हुए लाया है बाहर में, तो साड़ी उड़ी सब मतलब खुल गया था। ठीक है, देख सकते हैं इन लोगों का आरोप है कि लोगों से पूछ सकते हैं, गांव में लोगों के द्वारा पूछ सकते हैं कि क्या सच्चाई है क्या झूठ है, से गांव वाले गवाही देने के लिए तैयार हैं। फिर भी अगेंस्ट पार्टी को अरेस्ट नहीं किया गया। अच्छा, काउंटर केस? हाँ, काउंटर केस है, और साथ में, और मतलब क्या लगता है कि अगले पार्टी के कहने पे ये सब चीजें हो रही हैं? मतलब उस पे केस पेंडिंग था, 10-15 दिन पहले का कॉल रिकॉर्डिंग है, वो फोन करके हम लोग को धमकी दे रहे हैं कि उठा लेंगे तुम लोग को, और अति मतलब महिला मान जी। अच्छा, हाँ, उस पर केस चल रहा है, और उस जाके थाना में मिल भी रहा है, उससे केस चल रहा है, फिर भी मिल रहा है, उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, और साथ आ रहा है उनके साथ, और रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास एक,
जो बोल रहे हैं उसमें कि हमारे पास आया हुआ है, उसका हाथ टूटा हुआ है, अब मिलने गए तो आप अरेस्ट इसको क्यों नहीं कर रहे हैं, जब वो खुद एक्यूज्ड है फिर भी अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं उसको। देखिए मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आपको हम सुनाते हैं। ठीक है, जो भी साक्ष्य होंगे आप हमें भेज दीजिएगा। तो देख सकते हैं इनका आरोप है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है सरेआम गुंडागर्दी की गई है, मारपीट की गई है, एक महिला को मारा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे महिला बिलख बिलख कर रो रही है, परेशान है, अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। बाकी आप किस नजर से देखते हैं इस चीजों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स।